करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। जो आदमी पढ़ा लिखा मतलब अच्छे नौकरी पे हो, जिनका मतलब कल तक काम ये था कि वो आने वाले दिनों के लिए दूसरे एक हमारी जनरेशन को तैयार करे, वो इस हद तक मतलब मायूस हो गया था हालात से कि वो खुद बंदूक उठाने के लिए तैयार था। हमें ना इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्या हुआ कि वो अपनी नौकरी को छोड़ के बंदूक उठाने के लिए तैयार बन गया। मुझे तो पता नहीं। अब हमें एक तो ये जानना पड़ेगा कि खुद उसने ये क्यों किया, और आगे इस तरह के हालात ना बने इसके लिए हमें बहुत जल्दी इकदाम उठाने पड़ेंगे। इस तरह आप अगर जम्मू कश्मीर की रियासत को छोड़ोगे तो तबाही और बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं दिखेगा। और क्या कहेंगे, कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे कि कहीं वादी के किसी ना किसी कोने से खून खराबे की हमें खबर नहीं आती। या तो मिलिटेंट की गोलियों से लोग मर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मर रहे हैं। कल मतलब परसों रात को 3 लोग जो हैं उनको मारा गया था, मिलिटेंटों ने मारा। आज 5 मिलिटेंट जो हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है, और सुनने में आया है कि 2 लोग जो वहाँ एहतजाज कर रहे थे उनको भी जो है गोलियों से जो है मारा गया है। इस खून खराबे का कहीं ना कहीं तो हमें इलाज निकालना पड़ेगा। कब तक जनाब हम अपने आने वाले नस्ल को इस तरह कुर्बान करते रहेंगे, चाहे वो मिलिटेंट हो चाहे वो पत्थरबाज हो। है तो हमारे, उन्होंने सही उन्होंने रास्ता गलत अपनाया है, लेकिन उस गलत रास्ते से उनको वापस लाना वो हमारा फ़र्ज बनता है। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि हमारे जो हुकुमरान हैं वो पूरी तरह से इसमें फेल हो चुके हैं। उनको जैसे कि लगता है उनको, मुझे लगता है उनको बिल्कुल इस बात का कोई अफसोस ही नहीं है कि कश्मीर में इस तरह के हालात बने हैं। हमें ज़्यादा अफसोस है बनिस्बत के उनको।